हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों, ये वीडियो प्रश्नावली 3.3 का वीडियो पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन 3 पार्टों में सॉल्व किया हूँ। सभी पार्टों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते थे हमने करते हैं बताया था। तो दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें पहले का 6 पार्ट दिया है। तो दोस्तों, चलिए पहला पार्ट हम हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहले का पहला दिया है यक्स प्लस वाई बराबर 14, और पहला समीकरण हो गया हमारा, और यक्स माइनस वाई बराबर 4 क्या हो गया दूसरा समीकरण। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहला समीकरण हल करते हैं, उसके पहला हल करेंगे, फिर दूसरा समीकरण, फिर तीसरा समीकरण। देखिए, अभी तीसरा समीकरण है नहीं, लेकिन अभी तीसरा समीकरण हमारा बन जाएगा। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं। तो पहला समीकरण दिया है हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए, हाँ, हम यक्स या वाई को इधर एक और रोक देते हैं। देखिए, हम इधर रोकते हैं यक्स, तो हमारा मान आएगा 14। अब प्लस का वाई इधर जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा। तो दोस्तों, दूसरा समीकरण हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड का अर्थात तीसरे का यह मान समीकरण दो में रखने पर। तो समीकरण दो कितना है, यक्स माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, यहाँ यक्स, तो यक्स के स्थान पे कौन संख्या, यक्स बराबर दिया 14 माइनस वाई, तो यक्स बराबर 14 माइनस वाई, उसके बाद माइनस का वाई दिया है, तो माइनस का वाई बराबर 4। तो फिर लिखेंगे 14, ये माइनस का वाई है, माइनस का वाई हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस वाली संख्या क्या होती है, जुड़ती हैं। तो हो जाएगा माइनस का वाई, माइनस का वाई, तो हो जाएगा 2y। दिया है 4, तो लिखेंगे 4, क्योंकि बराबर यक्स माइनस वाई बराबर दिया है 4। तो यक्स का मान रख लिया हमने, ये 14 माइनस 2y बराबर 4। तो अब माइनस का 2y इधर रोक लेंगे, उसके बाद 4, अब 14 हमारा प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। तो 2 माइनस का 2y बराबर 14 में से 4, 14 में से माइनस का 14 में से 4 जाएगा, तो आएगा हमारा माइनस का 10। तो y का मान निकालेंगे, तो y, तो माइनस का 10, अब 2 हमारा, माइनस 2 हमारा गुणे में है, तो इधर चला जाएगा बटे में हो जाएगा था भाग में, तो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 × 5 = 10, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अब फिर क्या लिखेंगे, अब उसके बाद पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा समीकरण हल करते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण तीसरे में रखने पर। तो समीकरण तीसरा हमारा कितना आया है, यक्स बराबर 14 माइनस वाई बराबर, यक्स बराबर 14 माइनस वाई, यक्स बराबर 14 माइनस वाई, तो यक्स बराबर 14, अब वाई का मान कितना है, वाई का मान आया 5, तो यक्स बराबर, अब 14 में से 5 घटा देंगे, तो आएगा हमारा 9 × 5 = 14 9। तो देखिए, यक्स का मान आ गया 9 और वाई का मान आ गया 5, यही हो गए हमारे आंसर। इसी तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब दोस्तों, दूसरे पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया है। तो ये पहला समीकरण दिया है हमारा यस माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण हमारा पहला हो गया। उसके बाद दिया यस अपान टी प्लस टी अपान 2 बराबर 6 समीकरण हो गया दूसरा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला समीकरण हल करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला समीकरण हल करेंगे तो लिखेंगे यस माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ हम यस को ऐसे रोक देंगे,
तो तीन, अब ये माइनस का टी है, तीसरा चला गया प्लस का टी, तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर तीसरा। इस तरह से हम तीसरा समीकरण निकालते हैं। तो लिखेंगे आप समीकरण, समीकरण तीसरे का यह मान, यह मान समीकरण दो में, दो में रखने पर, जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी तरह से कर रहे हैं। तो उसके बाद समीकरण दो कितना है हमारा, समीकरण दो है यस बराबर छः, तो यस का मान देखिए कितना है, यस का मान है तीन प्लस टी, तो लिखेंगे तीन प्लस टी अपान, इसके बाद दिया तीन, तीन प्लस टी अपान टू बराबर छः। तो दोस्तों अब हर को बराबर करेंगे तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, तीन दूनी छः, तो इसमें तीन, इसमें दो से गुणा करेंगे इसमें तीन से, तो जब तीन से ऊपर दो से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको दो से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी दो से, इसमें तीन से, तो दो तिहाई छः प्लस टू टी प्लस तीन का गुणा टी में कराएंगे तो होगा थ्री टी बटे, अब पूरे का कितना हो जाएगा तीन दूनी छः बराबर छः। अब टू टी और थ्री टी कितना हो जाएगा, छः प्लस तीन दो पाँच, पाँच टी, अब ये हमारा छः इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो छः का गुणा छः में करेंगे तो हो जाएगा छछवक छत्तीस। अब इधर हल करते हैं, अब फिर पाँच टी को ऐसे रोक देंगे, पाँच टी बराबर छत्तीस, उसके बाद ये प्लस का छः है, इधर जाएगा माइनस का छः, तो टी बराबर, अब छत्तीस में से छः जाएगा हमारा आएगा पाँच टी, छत्तीस में से छः घटाएंगे तो आएगा तीस, उसके बाद टी का मान देखिए कितना आएगा तीस, अब ये पाँच हमारा गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो काटेंगे इसको पाँच छः तीस, तो टी का मान आ गया हमारा छः। अब लिखेंगे टी का मान समीकरण, पहले एक को हल करते थे सबसे पहले समीकरण एक को हल करेंगे, फिर दो को, फिर तीन को, तो क्या करेंगे टी का मान समीकरण तीन में रखने पर, रखने पर, तो समीकरण तीन कितना है हमारा, यस बराबर तीन प्लस टी, यस बराबर तीन प्लस टी, तो यस बराबर, क्योंकि अब हमको यस टी का मान हमारा पता चल गया, अब यस का मान निकालना है, तो यस का मान निकालने के लिए क्या करते हैं टी का मान समीकरण तीन में रख देते हैं, तो टी तीन, तीन प्लस टी का मान देखिए कितना है, टी बराबर आया छः, तो तीन प्लस टी, टी बराबर छः लिख देंगे, तो यस बराबर कितना हो जाएगा छः तीन नौ, तो यस का मान आ गया नौ, और टी का मान कितना आ गया, टी का मान आ गया छः, तो यही हमको प्रतिस्थापन विधि से यस और टी का मान हमने निकाल दिया, ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया है, पहला हमारा समीकरण दिया है तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, ये समीकरण पहला है, और नौ एक्स माइनस तीन वाई बराबर नौ, ये समीकरण दूसरा है। तो सबसे पहले किस कौन सा समीकरण हल करते हैं, पहला समीकरण, तो पहला समीकरण दिया है तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, इसी के मदद से हम तीसरा समीकरण निकालते हैं, तो तीन एक्स वाई से रोक देंगे, उसके बाद तीन, अभी माइनस का वाई है दर्शा जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा, यक्स बराबर तीन प्लस वाई, अब तीन हमारा गुणे में इधर चलेगा बटे में, तो अभी हम बन गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा। फिर लिखेंगे हम समीकरण तीन का यह मान समीकरण, पहला हमारा हल हो गया, अब दूसरा हल करते हैं, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो कितना है हमारा, नौ एक्स माइनस का तीन वाई बराबर नौ, तो नौ, अब यक्स, यक्स के स्थान पे हमको रखना है तीन प्लस वाई बटे दो, सॉरी तीन प्लस वाई बटे तीन, तो गुणे तीन प्लस वाई बटे तीन, उसके बाद माइनस का तीन वाई बराबर नौ। अब दोस्तों इसको काट देंगे, तीन त्रिक का नौ,
तो तीन त्रिक्का फिर हो जाएगा नौ प्लस किसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा तीन त्रिक्का नौ प्लस तीन वाई, तीन का गुणा वाई में करेंगे तो जाएगा तीन वाई माइनस तीन वाई बराबर नौ। अब तीन वाई से तीन वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा तो नौ का मान आ जाएगा नौ, अब नौ बराबर नौ। कथन हमारा नौ वाई के लिए या इसका मान हमारा इस समीकरण का अनेक हल होगा। देखिए कैसे, तो लिख देंगे हम यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, इसलिए y बराबर थ्री एक्स माइनस तीन। देखिए कैसे इसके अनेक हल होंगे। तो हमारा अनेक हल कब होते हैं, जैसे a1 वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू, जब तीनों हमारे बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। तो देखिए a1 वन, ए वन के स्थान पर कौन संख्या तीन, और a2, a2 के स्थान पर कौन संख्या नौ, तो जब इसको काटेंगे तीन एक कम तीन, तीन त्रिक्का नौ। उसके बाद b1 वन अपान बी टू का मान निकालते हैं, तो b1 का मान दिया इसमें एक, क्योंकि y दिया है तो y का मान मानते हैं माइनस का एक। उसके बाद b1, b1 वन अपान बी टू, तो b2 का मान दिया माइनस का तीन, तो माइनस से माइनस हमारा हो जाएंगे कैंसिल, तो आएगा ए बटे तीन। अब c1 वन अपान सी टू का मान निकालते हैं, तो c1 का मान दिया है, तो अब जब इसको इधर करेंगे तब तो हो जाएगा माइनस का तीन, तो कितना आ जाएगा माइनस का तीन। जैसे देखिए तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, तो इसको इधर करेंगे तीन एक्स माइनस वाई, उसके बाद ये प्लस का तीन है, इधर जाएंगे माइनस का तीन बराबर जीरो, तो इसलिए तो माइनस का तीन, उसके बाद बी सी टू, सी टू का मान दिया है इसमें तीन, तो सी टू का मान कितना आएगा माइनस का, सी टू का मान आएगा इसमें माइनस का नौ, क्योंकि देखिए नौ एक्स माइनस का तीन वाई बराबर नौ दिया है, जब जीरो के रूप में लिखेंगे जीरो की तरह नौ एक्स माइनस तीन वाई, अब प्लस का नौ ही तो जाएगा माइनस का नौ बराबर जीरो, तो सी टू बराबर माइनस का नौ, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तीन एक कम तीन, तीन त्रिक्का नौ, तो सभी का मान कितना आ गया एक बटे तीन, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे अब जो हमारा थ्री एक्स माइनस वाई बराबर तीन है, इसको लिख सकते हैं हम वाई को इधर रोक देंगे, क्योंकि जब वाई इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो तीन एक्स अभी माइनस का तीन। जैसे देखिए तीन एक्स माइनस का वाई बराबर तीन, अगर हम तीन एक्स अभी प्लस का तीन है इधर जाएगा माइनस का तीन बराबर, अभी प्लस का वाई है इधर जाएगा माइनस का वाई, तो y बराबर तीन एक्स माइनस का तीन। इसी पे अब हम x और x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। दोस्तों देखिए अगर x बराबर हम एक मान लें तो देखिए y का मान कितना आएगा, x अब एक मान लेते तीन एक कम तीन, तीन में से तीन गए जीरो, तो y का मान आ जाएगा जीरो, तो y बराबर एक मान आ सकता है हमारा जीरो, और x सॉरी x बराबर जब एक मान लेंगे हम तो y बराबर कितना आ जाएगा जीरो, एक तो ये मान हो सकता है। अगर हम x बराबर दो मान लें कि कितना आता है, तो y का मान कितना आता है तीन दूनी छः, छः में से तीन गए तीन, तो y का मान कितना आ जाएगा तीन, ये भी हो सकता है हमारा, इसके अनेक हल होते हैं। उसके बाद फिर अगर x बराबर हम चार मान लें चार, तो y का मान देखिए कितना आता है, तो तीन चौके बारह और बारह में से तीन गए नौ, तो तीन तीन चौके बारह और बारह में से तीन के नौ नौ, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो ऐसी हो गए हमारे आंसर। तो दोस्तों पहले का चौथा पार्ट दिया है, दो समीकरण दिया है इसमें, तो सबसे पहले दिया जीरो पॉइंट दो एक्स प्लस जीरो पॉइंट तीन वाई बराबर एक पॉइंट तीन, ये समीकरण हमारा हो गया पहला, और जीरो पॉइंट चार एक्स प्लस जीरो पॉइंट पाँच वाई बराबर दो पॉइंट तीन, ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। दोस्तों चलिए समीकरण तीसरा बनाते हैं, समीकरण एक की मदद से। तो समीकरण एक दिया जीरो पॉइंट दो प्लस जीरो पॉइंट तीन वाई बराबर एक दशमलव तीन, तो जीरो पॉइंट दो के डबल देंगे बराबर एक पॉइंट तीन है, उसके बाद प्लस का जीरो पॉइंट तीन वाई है माइनस का जीरो पॉइंट तीन हो जाएगा, उसके बाद एक के बराबर एक दशमलव तीन माइनस जीरो पॉइंट तीन वाई, अब
जीरो पॉइंट तो पहले की मदद से कितना दो में रखेंगे तो एक दशमलव तो दोस्तों पहले का पांचवा क्वेश्चन दिया है, दो एक्स प्लस अंडर रूट दो एक्स प्लस अंडर रूट तीन वाई बराबर जीरो समीकरण हो गया हमारा पहला। और दूसरा समीकरण दिया है अंडर रूट तीन एक्स माइनस का आठ वाई बराबर जीरो समीकरण नंबर दूसरा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण एक से हम का समीकरण एक का समीकरण एक का समीकरण एक यूज करके हम तीसरा समीकरण का तीसरा समीकरण बनाते हैं।
देखिए समीकरण एक कितना दिया, 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब देखिए अंडर रूट 2x को ऐसे रोक देंगे, उसके बाद प्लस का 3y है इधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, उसके बाद x बराबर अंडर रूट 3y। अब ये अंडर रूट 2 कितने किस में है, गुणे में है, इधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा अंडर रूट 2। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर तीसरा, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा। तो क्या लिखते हैं हम समीकरण 3 का यह मान किसमें रखते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो अंडर रूट 3, सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट 3 गुड़े यक्स के स्थान पे क्या लिखना है, अंडर रूट 3y अंडर रूट बटे अंडर रूट 2। तो लिखेंगे अंडर रूट 3 y बटे अंडर रूट 2। उसके बाद क्या दिया है, अंडर रूट 2। अब इसके बाद दिया माइनस का 8 सॉरी माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0। तो इससे को हम करेंगे 3 गुड़े, पहले सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट 3 गुड़े अंडर रूट 3y माइनस, देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा कराएंगे, देखिए कितना आता है, तो 3 त्रिका 9, 9 का वर्ग अंडर रूट 9 हो गया, तो 9 का वर्ग कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3y। अब देखिए माइनस का ए अंडर रूट 8 है और अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 8 गुड़े अंडर रूट 2 कितना होगा, 8 दूनी 16, तो 16 का वर्ग कितना होता है 4, चौके 16 होगा 4, तो हो जाएगा हमारा 4y बटे अंडर रूट पूरे का 2 बराबर 0। सॉरी दोस्तों हमने एक गलती कर दिया, यहाँ दिया माइनस का अंडर रूट 3, तो यहाँ माइनस का अंडर रूट 3y होगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस और माइनस वाली संख्या क्या होती है, जुड़ती हैं, तो 4 3 तो माइनस का 7y। अब अंडर रूट 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0, तो y बराबर 0। अरे माइनस का 7 है इधर जाएगा, सॉरी माइनस का 7 गुणे में इधर जाएगा प्लस भाग में हो जाएगा, तो 0 अब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वाई का मान आ गया 0। तो क्या लिखेंगे हम, सॉरी समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 दिया है यक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। तो यक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 3 गुड़े वाई का मान कितना है, वाई का मान आया है 0 बटे अंडर रूट 2। तो यक्स बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो जाएगा 0, अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा यक्स बराबर 0, तो यक्स का मान आ गया 0, वाई का मान आ गया 0, यही हो गए हमारे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो दोस्तों इसी तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से यक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो दोस्तों पहले का 6वां क्वेश्चन लिया है, तो पहला समीकरण दिया है 3/2x माइनस का 5/3y बराबर माइनस का 2, समीकरण 1 है, और यक्स प्लस 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13/6, ये समीकरण क्या है दूसरा, बनाते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 1 कितना है, 3/2x माइनस 5/3y बराबर माइनस का 2। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 3 से, तो इसमें 2 से 2 3 6, तो इसमें भी 3 से 2 से, तो 3 त्रिका 9, 2 3 6x हो जाएगा, उसके बाद माइनस 5 दूनी 10 वाई बटे 3 दूनी 6 माइनस का 2, तो 9x माइनस 10y बटे 6, अब माइनस का 2, तो 9x माइनस का 10y, अब 6 हमारा किस में है, भाग में इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा,
तो आएगा छः दूनी बारह, माइनस का बारह, छः का गुणा दो में कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का बारह। तो यक्स पहले, सबसे पहले नौ यक्स, अब ये माइनस का बारह, अब ये प्लस का दस वाई, ये दस जाएगा माइनस प्लस, ये माइनस का दस वाई दस जाएगा, प्लस का दस वाई हो जाएगा। उसके बाद यक्स बराबर माइनस का बारह प्लस का दस वाई, अब नौ हमारा किस में है, गुणे में दर्ज चलाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बन जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण तीन का मान, समीकरण जब दो में रखते हैं तो हमारा वाई का मान निकलता है, देखिए। तो समीकरण दो कितना दिया है, यक्स बटे तीन प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः। उसके बाद समीकरण दो, तो यक्स का मान कितना आया है, देखिए यहाँ यक्स का मान आया है माइनस का बारह प्लस दस वाई बटे नौ, तो माइनस का बारह, माइनस का बारह प्लस का दस वाई बटे नौ, उसके बाद ये तीन है, इसका तीन लिखेंगे, प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः। तो ये हमारा भाग में इस इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में, तो नौ त्रिक सत्ताईस, तो माइनस का बारह प्लस दस वाई बटे नौ त्रिक सत्ताईस प्लस वाई बटे दो बराबर तेरह बटे छः। अब दोस्तों इसका हर बराबर करेंगे तो सत्ताईस दूना दूना करेंगे चौवन, और इसका सत्ताईस से इसमें गुणा करेंगे, जब सत्ताईस से दो से इसमें गुणा करेंगे, सत्ताईस दूना चौवन, तो ऊपर भी हमको दो से गुणा करना पड़ेगा, तो दो से गुणा करेंगे तो इसमें भी दो से हम गुणा करेंगे, इसमें सत्ताईस से गुणा करेंगे, तो इसका मान देखिए कितना आता है, बारह दूना चौबीस माइनस का चौबीस प्लस दो धामा बीस, बीस वाई बटे सत्ताईस दूना चौवन, अब ये प्लस का सत्ताईस वाई, अब ये सत्ताईस दूना चौवन पूरे का चौवन बराबर तेरह बटे छः। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ ये बीस वाई और सत्ताईस वाई, देखिए कितना आता है, बीस और सत्ताईस कितना होगा, बीस बीस चालीस सात सैंतालीस, तो इसको लिख सकते हैं हम सैंतालीस वाई, अब ये माइनस का चौबीस इधर कर सकते हैं, अब बराबर तेरह बटे छः। तो ये चौवन हमारा गुणे में है, भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो चौवन, तो इसको हम काट सकते हैं, नौ छंग चौवन अर्थात छः नौ है चौवन, तो सैंतालीस वाई माइनस का चौबीस बराबर तेरह को नौ में गुणा करेंगे, तेरह एक सौ सत्रह, तो सैंतालीस वाई बराबर एक सौ सत्रह, अब ये माइनस का चौबीस इधर जाएगा प्लस का चौबीस हो जाएगा, सैंतालीस वाई, अब एक सौ सत्रह में चौबीस जोड़ेंगे देखा गया एक सौ इकतालीस बटे सैंतालीस, तो इसको हम काटेंगे सैंतालीस तीन या एक सौ इकतालीस। फिर क्या लिखेंगे, वाई का मान किसमें रखते हैं समीकरण तीसरे में, वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन हमारा कितना आया है, तो समीकरण तीन हमारा यह है यक्स बराबर माइनस नौ, तो यक्स बराबर माइनस का बारह प्लस का दस, और वाई का मान कितना है तीन, तो हो जाएगा तीन बटे नौ, तो यक्स बराबर, तो दस दिया तीस, और तीस में से बारह घटाएंगे देखिए कितना आता है, तो आएगा हमारा अट्ठारह बटे नौ, तो इसको काट देंगे नौ दूनी अट्ठारह, तो यक्स का मान आ गया दो, और वाई का मान कितना आया था, वाई का मान आया है तीन, तो इस तरह से हो गए हमारे आंसर, यक्स का मान दो वाई का मान तीन, यही हो गए हमारे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रश्नवाली 3.3 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट टू में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6 कक्षा 8 कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।